से इसलिए कि सापुतारा से आगे बॉर्डर पे आगे एक गाँव है, वहाँ पे ही था। तो ये था अपना स्टे। मुझे इस वक्त बजट में करना थी ट्रिप, तो मैंने सापुतारा में ठहरने से पहले पूछ लिया आगे। तो यहाँ पे रेट्स बहुत ही कम है, और सापुतारा क्या है कि अभी सीज़न भी आ रहा है, सीज़न है ही, तो वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा ही रखते हैं भाव, सीज़न हो या ऑफ सीज़न हो। मैं यहाँ पे ठहरा था, ऐसा कुछ है, बाथरूम नीट एंड क्लीन, अच्छी थी जगह, साफ सुथरी। और ऐसे डोम टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे सारी जगह, तो इट वॉज अमेजिंग। 350 रुपये मैंने से पे किया बनना है पूरा कमरा। तो बाय बाय बोल के निकल जाएगा। मंत्र मुग्ध नजारा, तो ये है सापुतारा से आता हुआ रास्ता, ये वाला, इस बाजू नासिक रोड से इतना ही अंदर था रास्ते। अगर कोई चाह रहा है आने के लिए और बजट में रहना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। आगे ही जहाँ मैं ठहरा हुआ था, वहाँ से थोड़ा आगे आते ही ये होटल केसर है। यहाँ पे नाश्ता कर लिया, पोहा खाया, अच्छी थी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों। जाएंगे ये पेड़ के पीछे जो माउंटेन दिख रहा है उस पर। इस वाले पर्वत पे जाना है ऊपर, देखते हैं कहाँ तक जाती है गाड़ी। तो पहुंच गए हम यहाँ तक ही गाड़ी आ सकती है, ये वाला रास्ता। अब सीढ़ियाँ चढ़नी है भाई, 200-250 सीढ़ियाँ है। ऐसा बोला नीचे एक बंदे ने, अच्छी है जगह, कुछ भी कहो माउंटेन्स की बात ही अलग होती है। चलो ऊपर जाकर नज़ारा दिखाता हूँ। ये है ऊपर का नज़ारा, थक गए यार, 250 ही थी पर बहुत ही हार्ड थी। ऑसम व्यू,
यहाँ पर।